अब खबर हरियाणा से आपको बताते हैं, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है, क्योंकि मोस्ट वांटेड आतंकी गोली बराड़ के नजदीकी गोकुल सेतिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर आ चुकी है। और विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है। इस तस्वीर ने हरियाणा की सियासत को गर्मा दिया है। मोस्ट वांटेड आतंकी गोल्डी बड़ार के नजदीकी गोकुल सेतिया के कांग्रेस में शामिल होते ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की मौजूदगी में गोकुल सेतिया ने जैसे ही कांग्रेस की सदस्यता ली, लॉरेंस बिश्नोई के खास गैंगस्टर गोल्डी बड़ार के साथ वाली तस्वीरें भी वायरल होने लगी। गोल्डी के साथ गोकुल सेतिया के 5 फोटो वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ड्रग तस्करी में अमेरिकी जेल में बंद सनी मुल्तानी भी गोकुल के साथ वायरल फोटो में दिखाई दे रहा है। जिस गोल्डी बड़ार के साथ सेतिया के फोटो वायरल हो रहे हैं, वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का मास्टरमाइंड है। गोल्डी बड़ार ने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। सरकार गोल्डी बड़ार को आतंकी भी घोषित कर चुकी है। गोकुल सेतिया के कांग्रेस की सदस्यता लेने से सिद्धू मूसेवाला के फैंस में आक्रोश नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन रखने वाले गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सिद्धू मूसेवाला के फैंस का कहना है कि मूसेवाला के हथियारों से संबंध रखने वाले को कांग्रेस में जगह देना सही नहीं है। वहीं विरोधी पार्टियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगा रही हैं कि हरियाणा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुट की कांग्रेस में एंट्री हो गई है। विपक्ष के इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इन फोटोज के वायरल होते ही गोकुल सेतिया ने सिरसा के विधायक गोपाल कांडा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सेतिया ने कहा कि टिकट कटवाने के लिए ये सब किया जा रहा है। गोल्डी बड़ार के संग कॉलेज में साथ पढ़े हैं, उससे अब कोई लिंक नहीं है। वो मेरी अब से 10-15 साल पुरानी फोटोज, जो कि गोल्डी बराड के साथ, अमनदीप मुल्तानी के साथ कॉलेज टाइम की जो मेरी फोटोज थी, उनको ये लोग वायरल कर रहे हैं अपने हरियाणा न्यूज चैनल पे। अब कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया हमारा मित्र, कोई बाहर चला गया, कोई अपनी फार्मिंग संभाल रहा है, कोई सरकारी जॉब लग गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई गैंगस्टर बन गया। तो आज जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद उनके साथी क्या बन जाएंगे, किसी को पता होता है? और मेरी किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट हो किसी प्रकार की तो बताएं। बताया जा रहा है कि गोकुल सेतिया को कांग्रेस सिरसा से विधानसभा उम्मीदवार बना सकती है। सेतिया के बारे में कहा जाता है कि वो बम्बिया गैंग के निशाने पर है। बम्बिया गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के कातिलों से बदला लेने का ऐलान किया था। बम्बिया गैंग ने गोल्डी बड़ार को जान से मारने की धमकी दे रखी है। गोकुल सेतिया को भी बम्बिया गैंग से धमकी मिली थी। इसके पीछे की वजह उसके लॉरेंस बिश्नोई से ताल्लुकात हैं।